मॉर्निंग, स्वागत प्रणाम सभी लोगों को। मेरा स्वागत है आप सभी लोगों का केदारघाट के खूबसूरत सा गांव बड़ासो गांव पे, ठीक है। तो भाई आज केदारनाथ से मतलब घर आ रहे हैं, ठीक है। चलते तो सुबह की शुरुआत चाय से हो रही, ठीक है। तो आप लोग भी आए चाय पीने, मीठी मीठी चाय। और क्या बोला था मैं, कल शाम को आए थे हम गौरीकुंड से, इधर बड़ासो में आए थे, इधर होटल में रुके थे, मतलब जिनके खजरों के साथ हम रहते हैं उनकी होटल में रुके हैं आज। और यहाँ से अब चलते हैं थोड़ी देर में घर चलते हैं, और ठीक सामने का व्यू देखा था एक बार आप लोगों को, मौसम कैसा है ये देखे। अब जाके एक घंटे से लगा था दांत साफ करने, अब दिखा देता हूँ दिखा दो लाइट एक बार ना दबा देखो बा तो अब जाके भाई लाइट मारी इसने, इसके दांतों ने भाई। ऐसा है यहाँ क्या सीन, तो ये है बड़ासो, ठीक है। मतलब गांव इस जो ये यहाँ पे आप लोगों को ये पहाड़ दिख रहा होगा, तो इससे ठीक उधर पे बड़ासो गांव है, और ऊपर जो ये दिख रहा है टावर दिख रहा है यहाँ खोली है, ठीक है, बड़ा खोली बड़ासो, ठीक है, एक ही ग्राम सभा है। और इस साइड से हो रखी है रोड ब्लॉक, तो आगे देखते हैं। ये था रूम 4 बेड वाला, इसकी हो चुकी है नहाई दुबई, ये है खली भाई गौरीकुंड का सारा महल इधर ही पाया। चल अब ये है शिवराज पैलेस, तो यही इसी होटल में हम रुके थे आज रात को, तो यही है हमारी सापू का होटल। तो चलते हैं यहाँ से पैदल आगे, जहाँ पे आगे लेंस लाइट हुआ था वहाँ तक हम पैदल ही जाएंगे होटल से, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्विफ्ट दबी थी, उसमें पाँच छः लोग मरे हुए थे, दबे हुए थे, तो निकाल दी बॉडी, डेड बॉडी जो भी थी वो निकाल दी होगी उन्होंने। तो चलते हैं पैदल वहाँ तक। अब यहाँ सामने देखिए एक सुंदर सा पहाड़ी झरना देख रहे होंगे आप लोग, तो ये मस्त लग रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये पूरा स्टेप टू स्टेप बना हुआ है भाई, यहाँ पे सीढ़ीदार झरना जिसे बोलते थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कुछ ऐसा बना हुआ है केदार घाटी का मौसम इस टाइम। से 1 किलोमीटर है जहाँ पे वो लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 किलोमीटर पैदल वहाँ तक चलेंगे, वहाँ से फिर गुप्तकाशी की गाड़ी पकड़ेंगे। वहाँ पे एक दोस्त भी है आकाश भाई, तो वो इंतज़ार कर रहा है, अगर जल्दी पहुँचेंगे तो उसकी गाड़ी में चले जाएंगे अगस्तमणि तक। अब यहाँ देखिए ये है बड़ासो के ठीक नीचे ये गांव, तो इस गांव का नाम है रेल गांव है, ठीक है ये। तो अब यहाँ देखिए इन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है बना हुआ है यहाँ पे लैंडस्लाइड का। तो ऊपर देखिए ऊपर से भी पूरा टूट के आ रहा है, और घर के जस्ट बगल में भी टूट रखा है। तो यहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल मकान के बगल में टूट रखा भाई। चले पहुंचने वाले हैं हम इस लैंडस्लाइड वाली जगह पे, ठीक है। तो ये है तरसाली, ठीक है। तो इसके जस्ट यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है, इसके जस्ट ऊपर गांव भी है, तो भाई गांव के लिए भी रिस्की बना हुआ है, ठीक है। तो सामने पे जाम भी लगा हुआ है, यहाँ पे काम चल रहा है, रोड को साफ किया जा रहा है। तो चलते हैं हम भी आगे, ठीक है। यहीं पर आगे पे हुआ था ये, यही है लैंडस्लाइड वाली जगह, ऊपर से इतना टूट के आया था भाई, यहाँ उधर आगे तक टूट रखा है भाई। सारे लोग पैदल जा रहे हैं, कोई गाड़ी तो खुल गई इस टाइम। ये है झरना, तो यहीं पे एक स्विफ्ट कार जो दबी थी यहीं पे दबी थी, ऊपर से इतना बड़ा झरना भी आ रहा। ये भी गाड़ी देख रहे होंगे, यही गाड़ी दबी हुई थी, तो इतना भयंकर हो रखा है यहाँ पे। तो ये दबी हुई गाड़ी जो ऊपर की साइड है, कुछ नहीं बच रहा गाड़ी का। तो एवं चले हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी में, तो देखते हैं कब तक गाड़ी मिलती है। तो यहाँ से 47 किलोमीटर है गोरखपुर, अगस्तमुनि आते हैं यहाँ पे मंदाकिनी का। अगर आप लोग देखेंगे तो भाई इतना ज़्यादा पानी है मंदाकिनी में। तो स्वागत प्रणाम सभी लोगों को फिर से, आप सभी लोगों का उसी पुराने वीडियो में, कल वाले वीडियो में। तो केदारनाथ से घर आने घर आते आते भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ठीक है। तो गाड़ी बहुत मुश्किल मिलना हो रहा था गुप्तकाशी में, तो बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिली, जिसमें से हमको 200 रुपया गाड़ी वाले को देने पड़ा 6 लोगों को, ठीक है। तब जाके आई अगस्तमुनि, और अगस्तमुनि आते ही गाड़ी तो मिल गई थी हमारे पॉइंट पे अगस्तमुनि से, ठीक है। तो तुरंत घर आए थे, सो गए थे। तो अब मिल रहा हूँ मैं आप लोगों को अगले दिन, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले घर में मौसम दिखा देता हूँ। केदार घाटी का मौसम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा,
तो अभी देख रहे होंगे मौसम दिखाता हूँ एक बार इधर का, उसके बाद हाल चाल क्या है घर में। आजकल ऐसा बना हुआ है मौसम, आज का भी पूरे बादल आ रखे हैं, बादल लगे हुए हैं आसमान में, धूप आने का तो भाई नाम ही नहीं ले रहा ऊपर। ठीक है, तो आजकल कुछ ऐसा बना हुआ घर में हाल, हरियाली हरियाली और साथ में लग रही हैं ककड़ियाँ भी लग रही हैं, छोटी छोटी ककड़ियाँ। और ये है हमारा डॉगी भाई जो बहुत कमज़ोर हो रहा है आजकल, अब बुढ़ा भी हो गया कमज़ोर भी हो गया। और भाई क्या हाल है तेरे, क्या हाल है? ले भाई कम से कम इसको 9-10 साल या 10-11 साल इसको हो गए हैं और अभी बहुत बुढ़ा हो गया। ये घर ही में रहता, कहीं नहीं जाता भाई ये। ठीक जी, क्या हाल है तेरे डॉगी? ठीक है बल, ठीक है, सो जा सो जा सो जा सो जा। बाद मैं इस माइक का यूज़ भी कर रहा हूँ, तो जिसका मैंने यूज़ बहुत कम किया अभी तक अपने वीडियो में, तो मैंने सोचा भाई इसका यूज़ भी कर देते हैं, तो आवाज़ में थोड़ा फ़र्क तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए लगाते हैं इसको अपने जगह पे। हमारे घर में ककड़ी का बहुत बड़ा झील हो रखा है यहाँ पे, तो इसमें लगी भी हुई है ककड़ी, इसमें 2 ककड़ी भाई पक्की भी हो रखी है भाई बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते पिंगली गई वाली ककड़ियाँ, तो कुछ इस प्रकार से हैं, छोटी छोटी ककड़ियाँ भी हैं हरी भरी। ये घर में ककड़ी मोगरी सारी हो रखी हैं, तो यहाँ पे हमारे घर के यहाँ पे मोगरी का एक खेत में मोगरी भी बो रखी हमने, और यहाँ ठीक सामने पे मोगरी का पौधा एक जिसमें पूरी झुंगी आ रखी है भाई, यहाँ देखो तो कुछ ऐसी है। ये मोगरी पकी नहीं है, बनी नहीं ढंग से। अब तू कहाँ जा रहा? घर आने का मन तो भाई कर नहीं रहा था, तब आगे थोड़ा बहुत घूमने इधर घर में, देखते हैं 2-3 दिन रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे केदारनाथ। आजकल भाई जो मौत हो रही है बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और नेपाली परिवारों के लिए भाई बहुत दुखद घटना जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान नेपाली लोगों का हुआ है, तो मतलब 3 घटनाएँ हुई थी जिसमें भाई मौत। एक तो गाड़ी दबी जो कल मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाई वो तरसाली में, जिसमें 5 लोग मरे थे, और ये भी गाड़ी देख रहे होंगे यही गाड़ी दबी हुई थी। और एक डाट पुलिया के पास गौरकुंड में जो घटना हुई थी उसमें अभी तो बताया फिक्स नहीं बता रहे कितनी मौत हुई हैं, 17 की 20 इतने तो निकाल दिए थे उन्होंने। तो यार बंजरे देख रहे होंगे सामने गौरकुंड में जो बड़ी घटना घटी हुई है, जिसमें मतलब कि 10-15 लोगों से ज़्यादा की आशंका बोल रहे हैं लोग कि भाई इतने मरे होंगे, तो ये घटना घटी है यहाँ पे आगे। और तीन बच्चे और मरे थे जो गौरकुंड हेलीपैड है वहाँ पे दबे थे नेपाली परिवार के, तो कुछ ऐसा भाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे सभी लोगों के। शाम का टाइम और मैं पहुंच चुका हूं अपने चंडिका माता मंदिर के पास, जिसका पुनर्निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो बहुत टाइम बाद मंदिर बन रहा है और अभी काम चालू है, तो इतना कुछ बन गया मंदिर देख रहे होंगे अभी, कुछ ऐसे हालात हैं। और बारिश भी शुरू हो गई भाई, बारिश का तो भाई बोलना ही क्या है। बन चुका है मंदिर बहुत टाइम बाद, तो इसमें भी बहुत काम किया था हमने, कुछ ऐसा बन रहा मंदिर। और ये पुराना मंदिर ये है माँ चंडिका का, कुछ ऐसा बन रहा मंदिर भाई। चले गांव से घर भी आ गए हूँ बारिश में भीग के, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।